दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आज का दिन कुछ खास है, आज के दिन क्या हुआ था पहले ये जानते हैं। 6 फरवरी को विश्व के महान हस्तियों ने जन्म लिया था और सीमा तगाने के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफार का जन्म 1990 में 6 फरवरी को ही हुआ था, जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और भारत में खासे लोकप्रिय रहे रोनाल्ड रिगाल का जन्म भी 1911 में इसी दिन हुआ था। 1890 महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न खान अब्दुल गफार का जन्म भी हुआ था। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। 14 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। असम के डिब्रूगढ़ में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों की पहचान भाईजान अली और असब के रूप में हुई है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़िता अठाबारी चाय बागान के एक पास बेहोशी की हालत में मिली थी और डिब्रूगढ़ के एएसपी श्वेतांक मिश्रा ने बताया ये जानकारी दी है। और बीते साल असम पुलिस ने दो लड़कियों के से रेप के एक मुख्य आरोपी समेत दो लोगों को अलग अलग मार गिराया था और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे थे और विशेष पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने गुवाहाटी में एक संवाददाताओं से कहा था कि वह दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें आगे की जांच के लिए गुवाहाटी के एक उदलपुर में भेज दिया गया था और संबंधित अपराध स्थल की एक ले जाया गया था और तभी उन्होंने भागने की कोशिश की थी। विशेष पुलिस महानिदेशक सिंह ने बताया था कि वह एक घटना के आरोपी के एक 10 मार्च 2022 को उदलगुरी जिले में एक चाय बागान में 8 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप किया था और उसी की हत्या भी कर दी थी। अगले दिन बच्ची का शव बरामद किया गया था और आरोपी को कामरूस जिले के एक चंगासारी इलाके में एक फैक्ट्री से गिरफ्तार किया था और उसने भागने की प्रयास किया, इसके बाद पुलिस ने उसे मार गिराया। लता मंगेशकर को जान से मारने की मंशा से दिया गया था जहर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने बीते साल 6 फरवरी को मुंबई के एक ब्रिंच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी और दीदी की आज पहली पुण्यतिथि है और निधन के पहले लता दीदी ने ब्रिंच कैंडी अस्पताल में 29 दिनों तक जिंदगी के लिए संघर्ष किया था और लेकिन कोरोना के निमोनिया के साथ उन्होंने वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई थी और साल 2001 में उनकी संगीन साधना के देखते हुए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के वजह सा गया हुआ था और वह पद्म भूषण और दादा फाल्के अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है और लता दीदी का जीवन बेहद ही संघर्षपूर्ण रहा है और उसकी जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहा है, जिसके जीवन से कुछ ऐसी घटनाएं भी जुड़ी है जो हैरान कर देने वाली है। आपको जानकर हैरान हो जाएगी कि लता दीदी की धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी और पर जिस पर कृष्ण कृपा ऊपर वाले की थी उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। साल 1963 में लता दीदी को कुछ धीमा जहर दिया गया था और उन्होंने इस दर्दनाक किस्से को भी याद करते हुए इंटरव्यू दिया था और मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी और उसके सिलसिले की तबीयत 3 महीने तक खराब हो गई थी और हालत थी नहीं कि मैं उठ सकूं और चल सकूं। लता दीदी ने आगे कहा था कि हमारा परिवार इस बारे में बात नहीं करना चाहता है क्योंकि ये मेरी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल थे और लता जी ने ये भी कहा है कि खुलासा किया है कि धीमा जहर मारने की कोशिश किसने की थी और उन्हें इस बात का मालूम भी चल गया था कि लेकिन बिना किसी पुख्ता सबूत के पुलिस को कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं दे पा रही थी, इसीलिए अभी उस शख्स का नाम कभी भी सामने नहीं आ पाया। संजय दत्त से प्रेरणा लेकर महिमा चौधरी ने जीती कैंसर से जंग। अभिनेत्री महिमा चौधरी ने शनिवार को कहा कि वह कैंसर से अपनी जंग के दौरान अभिनेता संजय दत्त को एक टेनिस स्टार मार्टिना नवरातिलोव के इस जज्बे को प्रेरित हुई थी और जिससे दम पर दोनों इस बीमारियों से लड़ने के बावजूद अपने पेशे के सक्रिय रहे थे। विश्व कैंसर दिवस पर इंदौर के एक कार्यक्रम में महिमा ने कहा था कि मेरे बिस्तर पर आराम करते हुए संजय दत्त को चरण भरी निगाहों से देखने की एक सोच थी और वह कमाल की बात यह है कि वह कैंसर से जंग से दौरान जगह जगह जा रहे थे और फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे थे और हिट फिल्में भी दे रहे थे। महिमा ने यह भी पढ़ा था कि वह मार्टिना
नवाराल तियोला के एक कैंसर की सर्जरी के महज 2 हफ्ते के बाद एक प्रतियोगिता का हिस्सा भी लेते हुए नेटिक्स कॉर्ट पर वापस आई थी। और महिमा ने कहा था कि मैं दत्त और नवरा तिलोवा को इस कहानियों से प्रेरित हुई हूँ और वह सोचा कि वह जब लोग कैंसर से जंग के दौरान खुश खुद को मजबूत रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकती हूँ, तो मैं क्या नहीं कर सकती। मैंने ठान लिया था कि मुझे भी इसी जज्बे के साथ अपनी जंग लड़ना होगा। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।